नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना बद्देशिया। नगर भोगांव बस स्टैंड के सामने शुभ वाटिका मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी योगेश कठेरिया द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें मुलायम सिंह युद्ध बिग्रेड के प्रदेश सचिव तौसिफ खान, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा प्रदेश सचिव अर्जुन यादव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव का फूलमाला पगड़ी व शॉल ओढ़ाकर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी योगेश कठेरिया द्वारा सम्मानित कर सभी पदाधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पार्टी का जो कार्यक्रम किया गया है, क्या है ये कार्यक्रम, इस उपलक्ष्य में किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारे समाजवादी पार्टी के जो युवा साथी हैं, उनका नई नियुक्तियां हुई हैं, उनके सम्मान के संदर्भ में कार्यक्रम था, जिसमें मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड में प्रदेश सचिव भाई तौसीफ खान जी, अधिवक्ता सभा में प्रदेश सचिव भाई अर्जुन यादव जी और छात्र सभा के जिलाध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी का सम्मान समारोह है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ शुभ वाटिका भोगांव में उपस्थित हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कठेरिया, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। नई नई जिम्मेदारी अभी आपको मिली है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस पद पर उन्होंने पहुँचाया, और इस जिम्मेदारी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगा। 2022 में समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। मैं घर घर जाकर हर बूथ पर 10 यूथ, जो हमारा मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड का नारा है, हर बूथ पर 10 यूथ मैं उनको तैनात करूंगा मजबूती के साथ बूथ तक। असली लड़ाई जो है बूथ की है, हम अपना बूथ जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। भोगांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी हार चुकी थी पिछले चुनाव में, इस बार क्या करने जा रहे हैं आप, कुछ खास क्या लगता है? पहले की तरह इस बार समीकरण नहीं है, इस बार समीकरण बिल्कुल हमारे पक्ष में है और हम इस बार भोगांव विधानसभा जीत रहे हैं और मैनपुरी की चारों विधानसभा सीट समाजवादी खाते में जाएंगी। क्या नाम है आपका? तौसीफ खान, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह।